देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला जिले में रेत चोर और रेत माफिया जिला प्रशासन और खनिज विभाग में हावी नजर आ रहे हैं। वहीं ये रेत चोर दिन रात दिन और नालों का सीना छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और जलीय जीवों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो केवल अपना मतलब सिद्ध करना दिखाई पड़ रहा है और मनमाने तरीके से रेत ठेकेदारों के गुर्गे रेत बड़ी बड़ी मशीनें नदी में उतार दी और रात दिन केवल एक काम रेत का अवैध खनन किया जा रहा है और जिम्मेदार खनिज विभाग को इन्हें देखने की फुर्सत भी नहीं है कि जो रेत का खनन किया जा रहा है वो सही जगह से निकाली जा रही है जो इन्हें स्वीकृति दी है या फिर अन्यंत्र जगह से निकाल रहे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार कि रेत स्वीकृत खदान ग्राम मुगदरा में रेत ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत रकबा से रेत ना निकाल कर अन्य जगहों से रेत का खनन किया जा रहा है। वहीं रेत खदान से विगत कुछ दिनों से ठेकेदार द्वारा रेत निकासी का कार्य किया जा रहा है और खबर यह है कि ठेकेदार द्वारा नियम कानून को ताक में रखकर खदान संचालित की जा रही है। रेत खदान का बगैर सीमांकन किए मनमानी ढंग से खदान के एरिए से बाहर से पानी के अंदर से अवैध रेत खनन किया जा रहा है। खदानों में जेसीबी पोकलेन जैसी बड़ी बड़ी मशीन जो कि प्रतिबंधित है, इसके बाद भी ठेकेदार और बेखौफ होकर सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक मशीन से रेत खनन कर रहे हैं। ठेकेदार के द्वारा बगैर अनुमति के सरकारी व निजी भूमि में जगह जगह भारी मात्रा में रेत डंप किया जा रहा है। रेत खदान से ठेकेदार द्वारा बेखौफ होकर नियम विरुद्ध तरीके से रेत खनन व परिवहन का कार्य किया जा रहा है, इस बात को लेकर क्षेत्रीय जनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने जिले के जिम्मेदारों से अपील की है कि बमहनी के ग्राम मुगदरा रेत खदान पर लगातार से चल रहे अवैध तरीके से रेत निकासी पर रोक लगाई जाए और वाहनों के धमा चौकड़ी से हमें और हमारे परिवार को राहत दें। साथ रेत चोरों के द्वारा किन किन रकबा से रेत निकाली जा रही है इसकी जाँच भी की जाने की आवश्यकता है। आज बस स्टैंड बमनी में जनता के द्वारा ओवरलोड डंपरों को रोका गया था और सूचना दी गई थी, इस पर पुलिस विभाग और माइनिंग विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से ओवरलोड की कार्रवाई की गई है एवं दो ड्राइवर जो थे वो शराब पिए हुए थे तो जिनके ऊपर MV एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है और डंपरों को जब्त करके थाना परिसर में खड़ा कराया गया है। के द्वारा चार डंपरों को रोका गया था, उन चारों डंपरों में संयुक्त जांच की गई है खनिज राजस्व पुलिस विभाग द्वारा और चारों ही वाहनों को जब्त करके थाना बमनी में खड़ा किया गया है। इसके अलावा एक डंपर और हमें रास्ते में मिला था, उसको भी हमने जब्त करके थाने में खड़ा किया है और इनमें हम प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं।